वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन है जिसमें पाइपलाइन डिवीजन में टोटल 137 वैकेंसी रिलीज की गई है। इसके जो अप्लाई करने का मोड है ऑनलाइन है और इसकी जो लास्ट डेट है 18 फरवरी 2022 है। तो हम बात करेंगे जो वैकेंसीज है ये IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में है। यहाँ पे नतारक है कौन से डिवीजन में है, ये पाइपलाइन डिवीजन में रहेगी। यहाँ पे आगे इन्होंने बताया कि इसका एडवर्टीजमेंट नंबर ये है, यहाँ पे डेट ऑफ नोटिफिकेशन बताया हुआ है, लास्ट डेट दे रखी है, आपको जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है यहाँ पे पता लग रहा है ऑनलाइन मोड से करना है, और जो इसकी रिसिप्ट की लास्ट डेट है वो 18 फरवरी 2022 6 बजे से पहले पहले कर देना है, यही आपकी एप्लीकेशन फीस की भी लास्ट डेट है। ये जो वैकेंसीज हैं ये नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज रहेंगी इन पाइपलाइन डिवीजन में है, और ये जो वैकेंसीज इन्होंने लिखा है कि आपको जो एप्लीकेशन माइट किया जाता है ये एलिजिबल इंडियन नेशनल के लिए नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसी है। नीचे जो इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे इन्होंने वेरियस लोकेशन बता रखी है कि कौन कौन से आपने यहाँ से देख लेने, जैसे यहाँ पे आपको स्टेट का पता लग जाएगा, नेम ऑफ पोस्ट पता लग जाएगा कौन सी पोस्ट है, यहाँ पे उसका पोस्ट कोड आ जाएगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आएगी, यहाँ पे कैटेगरी वाइज आ जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग दे रखी है, आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं कि हाँ किसकी कौन सी रहेगी कौन सी रहेगी। जैसे तमिलनाडु का दे रखे हैं यहाँ पे SRPL में है, TA की है, यहाँ पे इसका कोड दिया, टोटल 5 वैकेंसी है, ऐसी अलग अलग दी हुई है। आप मतलब यहाँ पे खुद ही जाके चेक कर सकते हैं, अगर आपको नहीं भी समझ आएगा आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं तो मैं आपको बता दूंगी। देन यहाँ पे लिखे है कि रिजर्वेशन जो है यहाँ पे PWD कैंडिडेट के भी है, किस किस के लिए, यहाँ पे कौन कौन सी डिसेबिलिटी है यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है। देन यहाँ पे इन्होंने एज लिमिट बताई कि एज लिमिट क्या है, जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो एज है 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 26 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और उनकी जो ये एज काउंट की जाएगी 24 जनवरी 2022 तक काउंट की जाएगी। इसके लिखे कि आपको अगर रिलैक्सेशन के लिए चाहिए तो इसके हम बाद में बात करेंगे, वो पॉइंट नंबर 7 में दिया है क्या कंसेशन एंड रिलैक्सेशन रहती है। यहाँ पे एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताइए कि क्या रहेगी, यहाँ नंबर ऑफ नेम ऑफ द पोस्ट दे रखे क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी एंड क्वालिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट क्या होगी आपकी। फर्स्ट इन्होंने दे रखे है इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल की Grade 4 की है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, लिखा है कि आपके पास 3 इयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए या फिर 2 ईयर थ्रू लेटरल एंट्री आफ्टर आईटीआई अगर आपने किया तो उसके बाद आपको डायरेक्ट मतलब सेकेंड ईयर में चाहिए, या तो आपने 2 ईयर थ्रू लेटरल एंट्री होनी चाहिए ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन, जो यहाँ पे दे रखे किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से या तो मैकेनिकल से या ऑटोमोबाइल से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने परसेंटेज दे रखी है कि परसेंटेज क्या रहेगी, 55% रहेंगे चाहिए। इसके अलावा जो पासिंग मार्क्स चाहिए SC ST कैंडिडेट को। नेक्स्ट इन्होंने दे रखी है इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल Grade 4 की है, यहाँ पे भी इन्होंने मांगे है कि 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए या फिर 2 ईयर थ्रू लेटरल एंट्री आफ्टर ITI, इसमें मतलब मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन इस जो है कि यहाँ पे इन्होंने नीचे डिसिप्लिन बनाए हुए हैं इनमें से होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में मिनिमम परसेंटेज चाहिए आपके 55% होने चाहिए, यानी या फिर पासिंग मार्क्स होने चाहिए। SC ST वालों के लिए जो है जस्ट पासिंग मार्क्स रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट जो इन्होंने दे रखी है इंजीनियरिंग असिस्टेंट TND की, यानी नेक्स्ट यहाँ पे दे रखी है कि क्या क्या उसमें रहेगा, मतलब कौन सी Grade 4 की है, 3 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए या फिर 2 ईयर का थ्रू लेटरल एंट्री आफ्टर IT। यहाँ पे इन्होंने दे रखे कौन कौन से डिसिप्लिन में आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम परसेंटेज वही है 55% होने चाहिए, और जो SC ST वाले हैं उनको पासिंग मार्क्स रिक्वायरमेंट है। देन यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है कि इंजीनियरिंग असिस्टेंट ऑपरेशंस की Grade 4 की है, 3 ईयर का आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए या फिर 2 ईयर का थ्रो लेटरल IT 1 ईयर की ड्यूरेशन होनी चाहिए। मिनिमम डिसिप्लिन दे रखी है कौन कौन से होनी चाहिए, मैकेनिकल से या केमिकल से या फिर ऑटोमोबाइल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इनमें से किसी में भी होना चाहिए। परसेंटेज आपकी वही है 55% और कैंडिडेट रहेगी, और SC ST वालों के लिए पासिंग मार्क्स। देन नेक्स्ट इन्होंने देखी है टेक्निकल अटेंडेंट 1 की है, Grade 1 की रहेगी, यहाँ पे या तो लिखे कि मैट्रिक होनी चाहिए या फिर 10th पास होनी चाहिए प्लस ITI पास होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से इन द स्पेसिफाइड IT ट्रेड्स में, ड्यूरेशन जैसे इन्होंने मेंशन की हुई है नीचे उसके अकॉर्डिंग रहेगी। इसके अलावा कैंडिडेट शुड पोजेस ट्रेड सर्टिफिकेट या NTC यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इशू बाय SBT या फिर NCVT के द्वारा।
यहाँ पे लिखा है कि जो ये इन्होंने जैसे आईटी ट्रेड्स एंड मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज बता रखी है, जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया था कि कितने मतलब होंगे, नीचे मेंशन किए हुए हैं कि अगर आप टेक्निकल अटेंडेंस के लिए कोर्स के लिए करना चाहते हैं तो आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए या फिर 10th होनी चाहिए, प्लस आपका आईटी मार्कशीट होनी चाहिए इंडिकेटिंग मार्क ऑफ ऑल सेमेस्टर। नीचे इन्होंने दिया कि कितने ईयर का इलेक्ट्रीशियन है, मिनिमम आपका जो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स होनी चाहिए 2 ईयर्स की इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, 2 ईयर्स की फिटर है, 2 ईयर्स की इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, 2 ईयर्स की। तो आपने यहाँ से देख लेना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पता लग जाएगा। यहाँ पे लिखे कि अगर कैंडिडेट ने प्रोफेशनल या हायर क्वालिफिकेशन कर रखी है, जैसे कि इंजीनियरिंग में यानी डिग्री कर रखी है या MBA कर रखी है या उसके इक्विवेलेंट कोई भी PG DM या MCA LLB या CA या, तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने पे एंड सैलरी बताई कि जो इंजीनियरिंग असिस्टेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग असिस्टेंट ऑपरेशन की जो सैलरी रहेगी वो 25,000 से लेके 1,05,000 के बीच रहेगी। और इसके अलावा क्या कि जो ग्रेड पे होगा इनका ग्रेड पे, और जो इसके अलावा जो सैलरी है टेक्निकल अटेंडेंट की रहेगी उनकी जो सैलरी है 23,000 से लेके 78,000 के बीच में रहेगी। बाकी इन्हें जो बेसिक पे एंड DA एंड HR जो भी अदर बेनिफिट है एज पर कॉपरेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेंगे। और आपकी जो कट ऑफ डेट है यानी कि आपकी जो एज क्वालिफिकेशन जो भी सब कुछ होगा वो काउंट किया जाएगा 24 जनवरी 2022 तक ही काउंट किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस इन्होंने बताई कि क्या रहेगी, कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी से या OBC से या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्होंने फीस पे करनी है 100 रुपीज रहेगी एप्लीकेशन फीस। इसके अलावा जो SC ST या PWD वाले हैं उन्हें कोई भी एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी है। और आपने जो अपनी एप्लीकेशन फीस पे करनी है वो ऑनलाइन मोड से थ्रू SBI कलेक्ट एज इंडिकेटेड इन पाइपलाइन रिक्वायरमेंट उसके थ्रू ही करनी है, अदर मोड कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसके अलावा जो भी आपके चार्जेस रहेंगे बैंक के वो भी आपको पे करने हैं। अगर आपने एक बार फीस पे कर दिया तो उससे रिफंड नहीं किया जा सकता किसी भी सर्कमस्टांसेस ने। कैंडिडेट को एंश्योर कर लेने कि उनकी जो फीस वगैरह जो भी उन्होंने अपनी ऑनलाइन फी पेमेंट की है वो मतलब सक्सेसफुली हो चुकी है नहीं हो चुकी है, सक्सेस मतलब यहाँ पे लगे कि सक्सेसफुली मेड हुई है नहीं हुई है। और जो इसको पेमेंट हिस्ट्री में जाके वो चेक कर सकते हैं, उन्होंने अगर प्रिंट आउट पे निकलवा सकते हैं। कैंडिडेट हैज टू केयरफुली एंटर अपनी, उन्होंने जब भी अपनी फीस वगैरह भरनी है तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो उन्होंने पार्ट वन से उनका रिसीव किया होगा वो उन्होंने भरना है, उसमें नेम जो भी अपनी डिटेल्स वगैरह भरनी है वो उन्होंने सही से भरनी है। यहाँ पे उन्होंने कंसेशन दे रखे कि रिलैक्सेशन क्या रहेगी, जैसे इन्होंने बताया था कि 18 साल से और 26 साल के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रिलैक्सेशन बता रखी है कि SC ST वालों के लिए 5 ईयर्स की रहेगी, OBC नॉन क्रीमी लेयर्स वालों के लिए 3 ईयर्स की रहेगी। और लिखे कि उन्हें बेनिफिट्स तभी दिया जाएगा अगर वो इसका सर्टिफिकेट होगा उनके पास, मतलब जो भी वो कैटेगरी सर्टिफिकेट पाना चाहते हैं। इस रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन वालों के लिए जो भी एज पर रूल्स रहेगी, PWD वालों के लिए 10 ईयर्स है अगर वो जनरल से, अगर वो SC ST से है तो 15 ईयर्स की है, अगर वो OBC से है तो 13 ईयर्स की है। SC ST और जो PWD वाले हैं उन्हें कोई भी फीस पे नहीं करनी है, ओनली जो पासिंग मार्क्स, जैसे इन्होंने बताया था कि अगर डिप्लोमा वगैरह कुछ भी है तो ओनली पास मार्क्स आर रिक्वायर्ड, जो भी इन्होंने ऊपर बताया था फॉर SC एंड ST कैंडिडेट्स के लिए अगेंस्ट रिजर्व पोस्ट। रिलैक्सेशन ऑफ 10% इन द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, इसके अलावा जो उन्हें रिलैक्सेशन दी जाएगी जब भी उनका रिटर्न टेस्ट होगा मिनिमम 10% की जो है रिलैक्सेशन दी जाएगी SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन वालों को। देन यहाँ पे लिखा है कि 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे PWD वालों को कंपनसेटरी टाइम अगर स्क्राइब वगैरह चाहते हैं तो। लिखे है कि SC ST एंड OBC कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट तो उन्हें जो है कंसीडर किया जाएगा, अगर वो अनरिजर्व में तो उन्हें कोई भी इसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे उन्होंने सिलेक्शन दे रखे कैसे होगी, लिखे कि आपकी जो भी यहाँ पे सिलेक्शन विल कंसिस्ट आपका यानी फर्स्ट आपका रिटर्न होगा, देन स्किल होगा, प्रोफिशिएंसी एंड फिजिकल टेस्ट होगा। और जो आपका स्किल, प्रोफिशिएंसी एंड फिजिकल टेस्ट होगा वो जस्ट क्वालिफाइड नेचर का होगा, यानी उसका आपकी मेरिट लिस्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। आपकी जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो आपके जो भी रिटर्न टेस्ट में आपने किए होंगे सिक्योर उसके आधार पर होगी। देन लिखा है कि कैंडिडेट हैज़ अ मिनिमम सिक्योर, जो आपको मिनिमम सिक्योर करने अपना जो भी टेस्ट है फॉर क्वालिफाइंग SPPT 40% चाहिए होंगे फॉर SC ST एंड यहाँ पे एक्स सर्विसमैन PW वाले को, जो 30% रहेंगे यानी उन्हें जो 10% की रिलैक्सेशन दी गई है। और जो भी इसको सिक्योर करेंगे अपना जो रिटर्न टेस्ट है उसमें मिनिमम जो भी इनके मार्क्स हैं उसका मतलब शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनका जो रेशियो रहेगा वो 1:5 होगा, यानी 5 गुना बुलाए जाएंगे इट इज स्कोर जो पर रिटर्न बेस्ड होगा। उसके बाद जो भी उनके रहेंगे क्वालिफाइड नेचर के यानी आगे उनके फर्दर स्टेप होते रहेंगे। रिटर्न टेस्ट की इन्होंने डेट दे रखी है कि 27 मार्च 2022 को हो सकता है, ये इसके टेंटेटिव डेट है, मतलब ये बदल भी सकते हैं, टेंटेटिव होता है कि मतलब ये वेरी भी कर सकती हैं। आपका जो टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, यानी 4 ऑप्शन होते हैं उस टाइप का होगा, आपको करेक्ट 1 आंसर देना होगा। देन लिखा है कि आपसे जो है टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिटर्न टेस्ट में, और वो 100 मार्क्स का ही होगा, एक क्वेश्चन का मतलब एक क्वेश्चन जो आपका एक नंबर का होगा।
देन यहाँ पे वही है कि किस मतलब किससे रिलेटेड फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग असिस्टेंट, जिसमें से 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और उसमें से 75 क्वेश्चन जो आपके कंसर्न इंजीनियरिंग से होंगे जो भी है, और जो 25 क्वेश्चन होंगे वो जनरल एप्टीट्यूड के, रीजनिंग के, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज के होंगे। और यहाँ पे अलग अलग पोस्ट दे रखी है, जैसे टेक्निकल अटेंडेंट का होगा उसमें आपका 100 का होगा, तो 75 जो होंगे आपके टेक्निकल उससे होंगे जो भी फ्रॉम जनरल साइंस है, ऑन बेसिस आईटी ट्रेड जैसे कि उन्होंने बताई हुई थी ऊपर जो भी है, और जो रिमेनिंग के 25 होंगे वो आपके जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड नॉलेज वगैरह के होंगे। इसमें कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको जो ड्यूरेशन दी जाएगी 90 मिनट्स की दी जाएगी टेस्ट के लिए, और जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं उन्हें मतलब यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर बताया था कि उन्हें 30 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी उन्हें 120 मिनट्स की जो है ड्यूरेशन दी जाएगी। देन यहाँ पे लिखा है कि आगे आपका जो है स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकली टेस्ट होगा। यहाँ पे लिखा है कि इन द टेक्निकल स्किल प्रोफिशिएंसी एबिलिटी टू हैंडल ऑपरेट द टूल्स, मतलब इसमें इक्विपमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फॉर द शॉर्टलिस्ट, उनके जो मतलब अपनी कैटेगरी से होता है उन्हें उनकी नॉलेज नहीं है। फाइनल जो मेरिट लिस्ट पेपर की जाएगी वो आपके रिटन टेस्ट के बेसिस पे होगी, बट जो आपका ये टेस्ट रहा है कि वो आपको क्वालिफाई करना ही करना होगा। देन यहाँ पे इन्होंने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दे रखे कि क्या होगा, जिनकी जो डिसेबिलिटी है 40% से ज़्यादा है तो उन्हें ही मतलब इसमें काउंट किया जाएगा, काउंट किया जाएगा, तो उन्हें अपना सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। देन प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल सर्टिफिकेट, आपका जो है फिटनेस सर्टिफिकेट, जो भी इसके लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको जो है मेडिकली फिट, उनका जो मतलब चेक किया जाएगा कि वो मेडिकली फिट है नहीं है। देन यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बता रखी है कि आपने अपने ऑनलाइन पोर्टल में जो भी अपनी डिटेल्स वगैरह भरनी है वहीं से भरे। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू सबमिट एनी डॉक्यूमेंट, जो भी अपना उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट किया, क्वालिफिकेशन या एज या कैटेगरी का है, जब भी उन्हें बुलाया जाएगा शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा उन्हें अपने वो डॉक्यूमेंट लेके आने होंगे। अगर उन्होंने कुछ भी उसमें मिसमैच हो रहा है कि हाँ वो नहीं उसको कर पा रहा है तो उसको जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। देन यहाँ पे उन्होंने बताया कि कौन कौन से आपको जो डॉक्यूमेंट लेके आने हैं और उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी लेके आनी है। एक तो आपका 10th का रहेगा मेट्रिकुलेशन जो भी आपका है, 10th का आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ काउंट किया जाएगा, कोई इसका अदर नहीं होगा फॉर वेरिफिकेशन डेट ऑफ बर्थ, जस्ट आपका 10th का उसके वही होगा। अगर आप कोई कैटेगरी बेनिफिट पाना चाहते हैं एससी एसटी ओबीसी या डिसेबिलिटी AEWS तो आपको उसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। और आपको जो ओबीसी अगर है तो आपको नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए, उस पर शुड बी वैलिड एज जो आपका मतलब करंट ईयर का हो, और आपका जो नेम ऑफ कोर्स जो है सेंट्रल लिस्ट में मतलब उसमें होनी चाहिए। देन यहाँ पे बताया कि आप कौन सी पोस्ट के लिए हैं उसके रिलेटेड आ जाएगा कि हाँ आपका कौन सी पोस्ट के लिए है उसकी टेक्निकल आ जाएगी, सर्टिफिकेट आ जाएगा कि हाँ आपने डिप्लोमा किया या आईटीआई किया। देन अगर आप टेक्निकल अटेंडेंट के लिए तो आपका आईटीआई की मार्कशीट आ जाएंगी। नेक्स्ट आपका अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो डिस्चार्ज किया जाएगी, एनी अदर अगर कुछ और भी है तो आपने कर देनी है। विदाउट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लिखे कि आप एसपीपी टीम में नहीं आ सकते, मतलब जब भी आपको बुलाया जाएगा तो आपको लेके ही आने होंगे। आफ्टर चेकिंग, चेक करने के बाद आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं आपको दे दिए जाएंगे, और जो उसके सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट होंगे वो वही रखेगा कि हाँ, और अगर कोई भी उनके लॉस वगैरह होते हैं कि हाँ उनका कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लॉस हो तो उसके लिए जो कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि उन्होंने जस्ट उन्हें चेक करके वेरीफाई करके दे देना है। यहाँ पर उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कैंडिडेट को अप्लाई करने से पहले पूरी डिटेल्स पढ़ लेनी है कि वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, उनकी जो अगर वो सिलेक्शन हो जाती है तो इंडिया में कहीं भी पोस्टेड किया जा सकता है किसी भी यूनिट में जैसे कि उनकी रहेगी। और लिखे कि अगर कोई कैंडिडेट की हायर क्वालिफिकेशन है जैसे इन्होंने बताया था तो उन्हें अप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और जो इन्होंने बताया उसके उन्हें उसी के अकॉर्डिंग करना है। अगर कैंडिडेट लिखा है कि कैंडिडेट ने डिस्टेंस लर्निंग मोड से या पार्ट टाइम से जो अपनी एजुकेशन वगैरह की है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जो भी कैंडिडेट इसके लिए शॉर्टलिस्टेड होंगे, कैंडिडेट हुआ शॉर्टलिस्ट, उन्हें जो अपना डाउनलोड एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा इसके ऑनलाइन पोर्टल से, वहाँ पे इस पर आपको जो है शो हो जाएगा। एडमिट कार्ड आपको जो है बाय पोस्ट नहीं दिए जाएंगे, तो इसलिए आपने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो रेगुलरली चेक करते रहना है। इसके यहाँ पे डेट दे रखी है कि लास्ट डेट रहेगी 18 फरवरी 2022 तक आप मतलब कर सकते हैं अप्लाई। यहाँ पे लेके कैंडिडेट को मतलब इसके ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहना है कि हाँ एडमिट कार्ड होंगे जो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे होंगे। कैंडिडेट के पास एक जब भी अपने रिटर्न टेस्ट के लिए आना है तो उनके पास एक फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, रिटर्न टेस्ट एंड एसपीपीटी फोटो, जो ओरिजिनल फोटो है उनका चेक किया जाएगा एंड वेरीफाई किया जाएगा टेस्ट के दौरान। और उसके लिए सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपके पास फोटो कॉपी भी होनी चाहिए आपके डॉक्यूमेंट की। कौन कौन से आपके प्रूफ हो सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड या पासपोर्ट, यही कंसिडर किए जाएंगे। अगर आपके किसी भी आइडेंटिटी प्रूफ पे फोटो नहीं है तो आपको मतलब आपको रिटर्न टेस्ट में बैठने नहीं दिया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे फिर उन्हें अपने डॉक्यूमेंट लेके आने होंगे जब भी उन्हें टेस्ट नॉमिनल के बुलाया जाएगा। तो इसके लिए एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी लेके आना होगा और अपने जो भी सारे डॉक्यूमेंट है वो लेके आने,
होंगे। देन वही है, यहाँ पे अगर आप कोई क्लेम कर रहे हैं कैटेगरी का, तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए करंट ईयर का जो भी है। जैसे अगर आप ओबीसी में हैं तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में होना चाहिए। कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली वन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, फर्दर ओनली वन ईमेल, क्योंकि आपके जो भी इसमें यूज होगी वो एक ईमेल आईडी एंड ईमेल ऐप को जो है एक ही बार यूज किया जा सकता है। सेम मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी जो है अदर कैंडिडेट नहीं यूज कर सकता उसे एक से ज्यादा बार। वही अगर आपने इनकम्प्लीट एप्लीकेशन भरा तो रिजेक्ट हो जाएगा, अगर उसमें कोई मिस्टेक्स मतलब उसमें कुछ मिसमैच है तो भी हो जाएगा वो कैंसल। यहाँ पे इन्होंने बता रखे हैं एनी डिफरेंस तो कौन कौन सी हो गई, यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं कि कौन कौन सी है। फॉर नॉर्थ ईस्टर्न पाइपलाइन के लिए चंडीगढ़, फॉर ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन के लिए कोलकाता। यहाँ पे ना दे रखे कि कैंडिडेट के पास एक अप्लाई करने से पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसके पास एक वैलिड ईमेल आईडी एंड फोन नंबर होना चाहिए जो उसका करंट विच मस्ट बी वैलिड फॉर एटलीस्ट 1 ईयर के लिए, यानी जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी उस पर आएगी तो उनका वैलिड होना चाहिए। उनके पास अपनी जो भी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है और जो अपने सिग्नेचर उनके ब्लैक इंक से एक व्हाइट पेपर पे करने हैं। उनका जो साइज है फोटो का जो साइज है 20 से 50 के बी के बीच में होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और जो सिग्नेचर का साइज है वो 10 से 30 के बी के बीच में होना चाहिए, वो भी जेपीजी फॉर्मेट के बीच में होना चाहिए। अप्लाई करने से पहले उन्होंने सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है कि वो इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, और उन्होंने जो यहाँ पे लिखे है कि आफ्टर सक्सेस जो उन्होंने फीस वगैरह पे की है उन्होंने देख लेना है कि वो उनकी जैसे जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को फीस पे करनी है, उन्होंने उनके पास जो है प्रिंट आउट तो अपना निकलवा लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए जो भी उन्होंने अपनी फीस पे की है। यहाँ पर लिखे कि अप्लाई कैसे करना है, इसी पोर्टल से जाके करना है, लास्ट डेट ये दे रखी है। पेपर अगर आप मतलब ऑफलाइन मोड से करते हैं तो उसे एक्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ पे दे रखी है कि कौन कौन से रीजन से अगर आपको कुछ भी इफ क्वायरीज है तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं, ईस्ट से है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, नॉर्थ से है या कहीं से भी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं, इंपॉर्टेंट दिया हुआ है कि कैंडिडेट को अपने अरेंजमेंट करने होंगे जब भी वो रिटर्न टेस्ट के लिए आते हैं। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे उन्हें मतलब रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा कि हाँ क्या रहता है क्या नहीं रहता है। कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करनी होगी और उनकी जो फीस से ओनली फॉर जनरल एंड ओबीसी वालों के लिए है, यही सब कुछ है इसमें। वही दिया हुआ है कैंडिडेट को, यहाँ पे लिखा है कि कोई भी अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, कोई अदर वेबसाइट पे नहीं मिलेगी। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।